सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र के बाजार परसा शुक्रुल्लाह गांव में संदिग्ध अवस्था पानी में तैरता 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चलें कि पकड़ी स्थित सेमफोर्ड स्कूल के पास नाला गया हुआ है और नाले में पानी भी है। कल रात से घर वापस न आने पर परिजनों ने खोजबीन की, लेकिन रात बीत गई और मृतक व्यक्ति घर वापस नहीं आया। जिसके बाद गांव के युवक ने देखा तो मृतक के घर सूचना दी, जिसके बाद से परिजनों ने पहुंचकर देखा तो मृतक अवस्था में पाया गया और परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है और गाँव के एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ माह पूर्व गाँव के एक व्यक्ति से मारपीट हो गई थी, जिसको लेकर अब बदला लिया गया है। हमारा नाम अर्जुन लोधी है। मामला यह है कि हमारे गांव के लोग जो असरफी हैं, विनोद हैं, जोगिंदर हैं, मैं आराम हैं, दयाराम हैं, विद्या देवी हैं, चांदनी देवी हैं, ये लोग हमारे घर पर 2 महीना पहले जानलेवा हमला किए थे, जिसमें एक आध दो लोगों का पैर भी टूट गया था, झाला भी खींच ले, चोर किस्म के आदमी, इनके खानदानी डकैती, सब डकैती वकैती करते थे पहले भी, आज भी इनका रिकॉर्ड है। उसके बाद हमारे चाचा जी को 2 दिन पहले धमकी दिए, धमकी देने के बाद आज रात में जो है मार कर फेंक दिए सर पुल के पास। थाना उसका बाजार में परसा शुक्रुल्लाह के अंतर्गत एक लाश बरामद हुई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी गई है। पहचान जिसमें पहचान हुई है इसमें कार्रवाई अभी प्रचलित है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।